आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन मित्र शिविर का आयोजन 1 नवंबर को किया गया, जिसमें 51 योजनाओं के लिए ग्रामीणों को समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 26 आवेदन ग्रामीणों द्वारा दिए गए, जिन्हें ऑनलाइन कर समस्या निराकरण के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। शिविर का आयोजन राज्य शासन के निर्देश के अनुक्रम में हर विकास खंड में किया जा रहा है और लोगों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं का निराकरण, ये उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर आज सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो विकास खंड लेवल के हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए थे। जो ग्राम बनेरिया के निवासी हैं उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपनी समस्याएं दी हैं। जो सेवाएं लोक सेवा गारंटी में अधिसूचित है उन सेवाओं के आवेदन पत्र ऑनलाइन लिए गए हैं, जिनमें से कई आवेदन पत्र का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और 2 आवेदन पत्रों का निराकरण भी ऑनलाइन कर दिया गया है। कुछ आवेदन पत्र ऐसे थे जो कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं है, वैसे आवेदन पत्र भी ग्रामवासियों की समस्या के दृष्टिगत हमने लिए, न केवल लिए बल्कि उनका निराकरण भी किया है। और राजस्व विभाग की ओर से जो तहसीलदार यहाँ पे आज उपस्थित थे मिस्टर जितेंद्र वर्मा, उन्होंने एक PPL का आवेदन जो प्राप्त हुआ था उसका मौके पे ही जांच कराया और उसका निराकरण भी पॉजिटिव किया है। इसी तरीके से अन्य जो विभाग के लोग हैं, जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए अधिकांश आवेदन पत्रों का निराकरण जो ऑफलाइन प्राप्त हुए थे उनका भी किया है। और जो रोड है वो MPRDC बना रही है और मैंने उनके वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की है और उन्होंने ये बताया है कि नवंबर महीने में यहाँ पे काम शुरू होने की संभावना रहेगी। कुछ अलॉटमेंट फंड्स की समस्या है लेकिन हमारी भी कोशिश ये है कि नवंबर महीने में ये रोड का काम शुरू हो जाए। जो दूसरा इशू है ट्रेंचिंग ग्राउंड का, उसके लिए हम लोग देखते हैं यदि कोई सुटेबल लैंड मिलता है तो ट्रेंचिंग ग्राउंड की समस्या भी हम लोग निराकरण करेंगे। इस नक्शे के बारे में भी हमने जो अभिलेख के अधिकारी हैं उनसे चर्चा की है और जो रेफरेंस सीट होता है उसके आधार पे क्या कोई नया सीट तैयार किया जा सकता है और जो विसंगतियां अभी मुझे आज बताई गई हैं उसके निराकरण के लिए हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि इस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।